कस्बा पुलिस एवं शाह टोला फतेहपुर समिति कस्बा के तत्वावधान में पुलिस सप्ताह कार्यक्रम के अवसर पर नशा के दुष्प्रभाव, साइबर क्राइम और महिलाओं की सुरक्षा से जागरूकता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद मुन्ना शाह ने किया। इसकी शुरुआत कसम सांस्कृतिक मंच के कलाकारों ने देशभक्ति के गीतों से किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कस्बा विधायक मोहम्मद आफाक आलम, उपप्रमुख मोहम्मद इरफान आलम, मुखिया संघ के अध्यक्ष रतीश आनंद, कस्बा थाना अध्यक्ष पंकज आनंद मौजूद थे। कार्यक्रम में मौजूद ग्रामीणों को कस्बा थाना अध्यक्ष पंकज आनंद तथा अन्य वक्ताओं द्वारा नशा के दुष्प्रभाव, साइबर क्राइम तथा महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष चर्चा हुई। क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम में? आज जो सफदलपुर पंचायत में बिहार पुलिस सप्ताहिक कार्यक्रम नशा मुक्ति के लिए जो किया गया है, थाना अध्यक्ष के कल कमरों से ये सभा का आयोजन किया गया था। फतेहपुर पंचायत में, फतेहपुर गांव में, फतेहपुर के बहुत सारे नौजवान जो है फतेहपुर कमेटी के नाम से एक अपना गठन किए हैं, उन लोगों के भी सौजन्य से ये शराब मुक्त और दहेज मुक्त और साइबर क्राइम, ये तीनों पर आज जो है यहाँ एक सभा किया गया। उसमें तमाम लोग भाग लिए, सभी प्रतिनिधिगण भाग लिए और थाना अध्यक्ष और सारे वहाँ के पदाधिकारी, सभी लोगों का भागीदारी इसमें रहा है। और ये बहुत ही सराहने की बात है कि ये पहला कदम यहाँ इस तरह से उठाया गया है। हमको नहीं पता है कि पूरे जिला में इस तरह का कदम उठाया गया होगा। और यहाँ के कमेटी के लोगों को भी हम धन्यवाद देते हैं कि शराब मुक्त गाँव बनाना चाहते हैं ये लोग, और ये लोग उसकी तैयारी भी कर लिए हैं। बहुत लोगों को शराब से वंचित भी करवाए हैं और लोग छोड़ भी दिए हैं, और ऐसा अब कहीं पर हम लोगों को देखने को भी नहीं मिल रहा है। काफ़ी देर से यहाँ की माँ बहनें और यहाँ की पब्लिक जितने भी हैं, सब लोग अपना वक्त देके और ये शराब मुक्त की बात को सभी लोग उठाए, सभी प्रतिनिधि बोले और इसको सभी लोग हाथ उठा के कसम खाए हैं कि हम लोग आज से कसम खाते हैं कि किसी तरह का भी नशा हम लोग नहीं करेंगे, शराब मुक्त गाँव हम अपना बनाएंगे, पंचायत बनाएंगे। और यही कह के सभी लोग जो है अपना आश्वासन दिए और सब खड़े हैं। और इस प्रोग्राम में आए हुए हमारे तमाम लोगों को भी हम धन्यवाद देते हैं, थाना अध्यक्ष को, कमेटी के लोगों को धन्यवाद देते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम करके एक मैसेज दिया राज्य को, जो राज्य में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह का कानून लाए और पक्ष विपक्ष के सारे समर्थन जो लोग दिए हैं उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि सारे पार्टी के लोगों का इसमें समर्थन है, कांग्रेस का भी है, सभी लोगों का इसमें समर्थन है, आरजेडी का भी है, सभी लोगों का इसमें समर्थन है कि बुरे काम से हम लोगों को मुक्ति दिलाना है, शराब मुक्त राज बनाना है। इसमें सब लोग शपथ खा के इस काम को सदन में भी पारित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। ये कार्यक्रम हुआ, इस तरह के कार्यक्रम अन्य प्रखंडों में या अन्य पंचायतों में होना लाजमी, कितना लाजमी है? अन्य प्रखंडों नहीं, पूरे बिहार में इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए। बिहार की जो बच्चा है उसका भविष्य का सवाल है, उसका जो है फ्यूचर का सवाल है। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सपना लिए और शराबबंदी को पूर्ण बंदी इसको करके, यहाँ तक कि किसी भी शास्त्र में जो शराब नहीं लिखा हुआ, शास्त्र को समझे और शराब को बंद किए। और ये हम लोगों को जहाँ तक जानकारी है, शराब से जितना पैसा जो आता था राजस्व को, जो सारा पैसा जो है शिक्षा विभाग में जाता था। आप मुख्यमंत्री जी कितना बड़का मुहिम छेड़ के इस चीज़ को बंद किए कि शराब का पैसा शिक्षा विभाग में भेजें और उससे बच्चा शिक्षित हो, वह कितना शिक्षित होंगे इसको हमारे मुख्यमंत्री जी समझे और उस पैसा को दूसरे व्यवस्था के तहत अपना ऊपर किए। और इतना बड़का जो है संकल्प ये मुख्यमंत्री जी कि किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ, हर शास्त्र में लिखा हुआ शराब जो है बहुत ही गलत चीज़ है, इसलिए शराब को बंद किया गया। और हमारे फतेहपुर गांव, आलमपुर गांव, कस्बा प्रखंड के अंतर्गत है, सफदलपुर पंचायत है, यहां के नौजवान कमेटी इस तरह कमेटी गठन किया, यहां तक कि निर्णय ले लिया कि शराब जो पिएगा उसका घर में शादी ब्याह जिसका होगा, हम लोग पूरे कमेटी के लोग, पूरे गाँव के लोग इस कमेटी का जो है बहिष्कार करेंगे, पूरे गाँव का लोग हम मिलकर बहिष्कार करेंगे, उसका शादी में शरीक नहीं होंगे, उसका मैयत में शरीक नहीं होंगे। हम चाहते हैं इसी तरह जो पूरे बिहार में इस तरह का कमेटी गठन हो और प्रशासन को मदद मिलेगा, प्रशासन अकेला चाहेगा कि शराब बंदी हो, नहीं होगा, हम लोग जैसे कमेटी बना है इसी तरह कमेटी पूरा बिहार में बने।